सब सरकार की देन है। ये सरकार खुद अपने आप को बचाने के लिए इनको इनको सब सप्लाई करती है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से, विदेश से, कई जगह से जो कॉल आ रहे हैं, ये सारे कॉल इस विषय का विरोध करते हैं। अगले कॉल। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ जय हिंद। जय हिंद। मैं अशोक पंचाल दिल्ली छात्रा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, ये जो नारा है, यह नारा सिर्फ कहने को रह गया है। अगर हकीकत में इस देश को महान बनाना है तो हिंदुस्तान की जनता को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए जो राजनीतिक प्रधानमंत्री ना होके नरेंद्र मोदी जैसा कड़क देश प्रेमी प्रधानमंत्री हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, समय कम बचा। हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बातों को जल्दी रखें। नमस्कार। हाँ देखिए सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। जो पाकिस्तान और चीन जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, वो अब हमारी सरकार खुद ऐसा करने में लगी हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान देश को तोड़ रहा है, आज उसी पाकिस्तान के जो आधुनिक हथियार हैं नक्सलियों के पास पाए गए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान इन नक्सलियों को हथियार मुहैया करा रहा है, और चाइना तो पहले से ये कर रहा है, और वही सरकार उस बात पे ध्यान ना देके इनको इनके पुनर्वास की नीति लेके आई है, इनको और पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो सरकार है, ना तो देश की सुरक्षा से कोई लेना देना है, ना देश के संप्रभुता से कोई लेना देना है सर। बिल्कुल। धन्यवाद। आपको पता ही होगा कि जब ऐसे नक्सली पकड़े गए, मारे गए या इंकाउंटर हुए, तो उसके बाद जो उनके पास शस्त्रास्त्र पाए गए वो पाकिस्तान से आए हुए थे, वो चाइना द्वारा निर्मित किए गए थे, और उन पर मेड इन चाइना से लेकर तमाम वो सारी जानकारियां थी जो खुलेआम ऐसे दो नंबर के मार्केट में बेचे जाने वाले शस्त्र की थी। चाइना इनको शस्त्र मुहैया कराता है, पाकिस्तान उनके लिए रूट बनता है। पाकिस्तान चाइना के शस्त्रों को आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए भारत में जो दूसरा पाकिस्तान बढ़ रहा है उस साइलेंट सेल का उपयोग करता है और ये शस्त्र उन तक पहुंचाता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। आज जी सुरेश जी नमस्कार, मैं रिपुंजय राय बोल रहा हूँ सऊदी अरब से, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। और ये जो नक्सल समस्या है, नक्सल समस्या से अपने देश का जो विकास ग्रोथ है, विकास ग्रोथ घट रहा है, और जितने भी नक्सली है ये सब सरकार के पाते हुए गुर्गे हैं, सरकार ने इनको पाल रखा है, और सरकार को चाहिए कि अगर अपने वहाँ के जो आर्मी है, वो जो सीआरपीएफ है और एसएफ है, अगर ये नहीं कामयाब हो पाते हैं, एयरफोर्स को लगाना चाहिए, अभी तो झार के खत्म करें। बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं मोहन सिंह श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर। थोड़ी देर पहले एक भाई ने जो बोला है कांग्रेस सरकार जो ये निकम्मी है, ये आतंकवादी और नक्सलवादी पैदा करने के लिए यही है, क्योंकि पंजाब में जो आतंकवाद हुआ वो भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि भेंडरावाला को जो इन्होंने पहले सिख स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, बाद में वही लोग आतंकवादी बन के और हिंदुस्तान को हिलाने लगा। ऐसे नक्सलवादी है, ऐसी ये पार्टी है, जैसे नक्सलवादी कम्युनिस्ट लोगों ने जो है सिलीगुड़ी साइड में नक्सलवाड़ी करके एक इलाका है, वहां से नक्सलवादी उठे हैं, तो यहाँ कम्युनिस्ट वाले इनको सपोर्ट करके आज जो पूरे देश में फैल गए हैं, ऐसे चाइना से सपोर्ट आ रहा है, और इन लोगों ने जो है गरीबों को, जितने भी नेता लोग हैं, जो है गरीबी बनाया, खुद अमीर बनते गए, और गरीबों ने जो यहीं पर जो है नक्सलवादी बने, और इसका फायदा दूसरे देशों को मिला जो इनको हथियार सप्लाई करते हैं, और हमारे देश के नेता लोग जो है इनको खुद पैसा देके इनका सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ऐसी सरकारों को, ऐसे नेताओं को बिल्कुल नहीं पब्लिक में लाए, सरकार में लाए, या किसी को जिताए करके इनको बायकॉट करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर पार्टी के लीडर हो, सबको मालूम है आप पब्लिक को, लेकिन बोलने के लिए हम लोगों के पास आगे के लिए कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास, हमारे को सबको मालूम है ऐसे ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों की आवाज को दबाया जाता है। बिल्कुल। धन्यवाद। उपाय पर हम नजर डालते हैं। नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली पुनर्वास नीति को तुरंत वापस लिया जाए। सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के नाम पर नक्सलियों को पैसे और नौकरी की जो पेशकश की है उसे तुरंत वापस लिया जाए।
क्योंकि नक्सली किसी भी सरकारी नीति को नहीं मानते। इससे समस्या घटने की बजाय बढ़ेगी ही। नक्सलियों के बजाय आदिवासियों को नौकरी और पैसा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय समस्या को खत्म करने की बजाय बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। वास्तविक समस्या है आदिवासी लोगों का विकास नहीं होना, इसलिए वास्तविक समस्या को पहले हल किया जाए। आदिवासी आगे आकर सरकार की पुनर्वास नीति का विरोध करें। सरकार आदिवासी लोगों के हक पर डाका डालकर नक्सलियों के पैर मजबूत कर रही है। इससे न सिर्फ आदिवासी गरीब के गरीब बने रहेंगे, बल्कि वो आम विचारधारा से भी कटे रहेंगे। नक्सलियों से नरमी की बजाय सख्ती से पेश आया जाए। जो नक्सली ना तो भारत के संविधान को मानते हैं और ना ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नरमी की नहीं सख्ती की जरूरत है। नक्सल समस्या की जड़ पर हमला किया जाए। नक्सल समस्या को बढ़ावा देने वाले हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हैं, जो इन्हें हथियार मुहैया कराते हैं। दूसरा है आदिवासी लोगों की गरीबी। ये गरीब नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आज इस कार्यक्रम की तैयारी करने के पहले मैं जब कुछ रिसर्च कर रहा था तो एक ऐसे नक्सली भगिनी का वीडियो देखा जिसने कहा है कि उसके साथ शोषण किया है और चार चार पांच पांच नक्सली नेताओं ने उसका शारीरिक शोषण किया, उसके ऊपर बलात्कार किए। नक्सलवादियों के बीच जो फ्री सेक्स वाली भावना जो बढ़ाई गई है वो अब उनके लिए भी नासूर का काम कर रही है, लेकिन सरकार की नीति नक्सलवाद की इस बढ़ावे को और नासूर के रूप में बढ़ावा देगी, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जाए। वैसे तो किसी को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हम तो वाल्या को वाल्मीकि होते हुए देख चुके हैं और उसकी आज पूजन भी करते हैं, लेकिन बदलने की इच्छा मन से होनी चाहिए, बदलने की भावना सच्ची होनी चाहिए। बदलवाने वाला अपने फायदे के लिए और बदलना चाह रहा है ऐसा दिखाने के लिए अगर वो करता है तो उसका कभी भी फायदा हो नहीं सकता, बल्कि नुकसान ही हो सकता है। नक्सलवाद इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। अब तक हमारे सारे आतंकवादी हमले और चीन के साथ एक और पाकिस्तान के साथ दो, ऐसे तीन लड़ाइया और सारे आतंकवादी हमले में भी हमारे 10,000 लोग नहीं मारे गए। 6,000 से ज्यादा आर्मी के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस नक्सलवादी ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कैंसर है, लेकिन इसके ऑपरेशन के बजाय सरकार ने जाने क्यों इसको पाल पोस रही है और बड़ा कर रही है। इस देश की जनता ने इस ऐसी समस्याओं को समझना चाहिए। नक्सलवाद की समस्या भले ही 18 राज्यों में 36 जिलों में हो, लेकिन पूरे देश के लिए समस्या है, इसलिए सारा देश इसको जाने समझे पहचाने और अपनी राय रखे। इसलिए ये बिंदास बोल हम आपके पास लेकर आए थे। ऐसे विषय हम आपके पास लगातार लेके आते हैं और आप भी अपना उत्साह के साथ इसमें प्रतिसाद लेते हैं, भाग लेते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।